अरुणाचल प्रदेश में माओवादियों के हमले में शहीद हुए मीनपुरी के लाल वीरेंद्र सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां शहीद वीरेंद्र सिंह यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद वीरेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद को अंतिम बार देखने के लिए आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद की अंतिम यात्रा देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। वहां मौजूद लोगों ने शहीद वीरेंद्र यादव अमर रहे के भी नारे लगाए। कमांडेंट ऑफिसर ने बताया कि शहीद जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तभी उन्हें गोली लगी और जवान की मौत हो गई। देखिए, ये 19 असम राइफल्स में पोस्टेड थे और पल्टन की जो डेली रूटीन्स होते हैं उसमें ये एक वाटर बॉजर में अपनी ड्यूटीज पूरी करने जा रहे थे। ये को ड्राइवर थे उस वाटर बॉजर के सर, एंड सडनली मिलिटेंट्स ने उस पर अटैक किया और मिलिटेंट्स के अटैक में इनको इंजरी हुई, इनको बुलेट्स लगे और इनके साथ ही ड्राइवर को भी इंजरी हुई, उसको भी बुलेट्स लगे। इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई एंड इनके जो साथ जो ड्राइवर थे वो अभी भी क्रिटिकल हैं सर। एंड हमारी श्रद्धांजलि इनको, हमारी सल्यूट इनको, इन्होंने देश के लिए जो जान दी। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिवार को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमने योगी सरकार से शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 50 लाख की सहायता की घोषणा की है। आज मैनपुरी ने एक वीर सपूत को खोया है, वो ये जनपद की नई देश की बहुत बड़ी क्षति है। आज स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी को विदाई देने के लिए हजारों हजार आदमी इकट्ठे थे। आज शोक की घड़ी में इतना ही कहेंगे कि ईश्वर उनके परिवार को ये पहाड़ जैसा दुख झेलने की क्षमता प्रदान करे। उन्होंने देश के सम्मान में अपनी जान गंवाई है और हम लोगों ने मांग की थी सरकार से कि शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपये की सांत्वना राशि दी जाए जी। मांग मानी तो है पर आधी मानी सरकार, 50,000 रुपये दिए, 50 लाख रुपये। अच्छा, इस समय समाजवादी पार्टी क्या आर्थिक मदद करेगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में बाहर हैं और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी इस परिवार की अपने जरूर मदद करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही वीरेंद्र यादव के जिले में एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम किए जाने की बात कही है। मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।